प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो लोगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सर्वप्रथम वे होते हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं, जिनकी छाया में हमारा जीवन संवरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे जन्मदाता की, हमारे माता। और दूसरे हैं वो जो समाज को नई दिशा प्रदान करते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाते हैं एवं देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षकों की, हमारे गुरुजनों की। आशाओं के बादल छाए, कोई उमंग है ये जिंदगी रे। एक धरती का आंचल ओढ़े, दिल से दिल के धागे जोड़े, बांटे जहाँ में अपनी खुशी रे। रीत की रीत सिखाते हुए दिल मिलाते हैं पर्दों पे हम, दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहे। सभी जानते हैं कि माता पिता और गुरु का स्थान बच्चों के जीवन में सर्वोपरि है, लेकिन हम में से कितने बच्चे हैं जो उनकी भावनाओं को समझते हैं? चलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ एक गुरु अपने मन की बात हमारे समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके एक या दो बच्चे हैं और कभी कभार आप उनकी शरारतों पर झल्ला कर उन पर हाथ उठा देते हैं, तो जरा सोचिएगा कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे संभालता है। आप खुद टीवी या मोबाइल में व्यस्त हैं, आपका बच्चा आपके पास आता है, आप उस अधखिले फूल को झिड़क देते हैं, जाओ भागो पढ़ाई करो। जरा मन को शांत करके विचारिएगा कि एक शिक्षक किस तरह अलग अलग बुद्धि वाले और अलग अलग अभिरुचि वाले बच्चों को 45 मिनट तक एक सूत्र में बांध के रखता है अपनी कक्षा में। आपका बच्चा दिन भर गेम खेलता है, घर पर पढ़ता नहीं है, इसकी भी शिकायत आप शिक्षक से करते हैं। क्या करें, हमारा मुन्ना तो हमारी बात ही नहीं सुनता, जरा डराइए इसे। अरे भाई, बच्चे को डराना है तो उसे किसी बाघ के सामने ले जाओ। आप गुरुर ब्रह्मा टाइप की बातें रखते हैं, पर कुछ पेरेंट्स भगवान तो छोड़िए शिक्षक को इंसान तक नहीं मानते। वे ये मानने को तैयार ही नहीं कि एक शिक्षक का व्यक्तिगत जीवन भी होता है, उसकी भावनाएं होती हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। आपका बच्चा वो बच्चा जिसके लिए आपने मंदिरों और अस्पतालों के जाने कितने चक्कर काटे होंगे, अगर एक ही चीज तीन या चार बार पूछ ले तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अब जरा सोचिए कि एक शिक्षक किस धैर्य के साथ बताता है कि 3+1 और 1+3 दोनों बराबर होते हैं, भले ही ये एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को समर्पित